आदित्य जी सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुंबई में पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से घटनाएं हुई एक धारावी के इंसिडेंट का जिक्र करना चाहता हूँ अगर कुछ दिनों पहले या फिर बाला साहब के ज़माने में अगर ऐसी घटना मुंबई में हुई होती धारावी में एक धार्मिक स्थल के अतिक्रमण को लेकर काफी विवाद हुआ ऐसे मुद्दे पर वहाँ पर पुलिस आती है काफी बड़ा बखेड़ा वहाँ पर होता है बवाल हो जाता है एक्शन लेती है देवेंद्र फडनविस थोड़ी देर पहले यहाँ पे तो इनका बार बार जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए जो मुझे लगता है उसमें है ना इसलिए हाँ उनके मालिक उसमें है

शिवसेना ने यही कहा है कि भूमिपुत्र को न्याय मिलना चाहिए हमारा हिंदू तो स्पष्ट है साफ है घर में जो चूल्हा होता है वो जलाओ घर मत जलाओ और यही बात मैं दोहराना चाहता हूं ये जो परसों का जो विषय हुआ धारावी में विषय हुआ वो बात एक ही थी आज अगर आप धारावी में जाए जो मुंबई लूटी जा रही है अदानी जी के खिस्से में डाली जा रही है अदानी जी के हाथों में दी जा रही है मुंबई फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिंदे और भाजपा जो कर रहे हैं वही मुंबई में जो एकजुट बनी हुई है सारे धर्मों की सारी जातियों की वो तोड़ना चाहते हैं अगर आप देखें तो वो जो मस्जिद है वो तो धारावी में है पूरी धारावी रीडेवलपमेंट को जा रही है ये कौन तोड़ रहा है सरकार तोड़ रही है पार्टी तोड़ रही है? सरकार तोड़ रही रही है है सरकार लेकिन पार्टी किसकी है सरकार किसकी है तो आप इसे स्टेट मैं करें। यही कहता हूँ यही कहना चाहता हूँ कहा आज भी कहूंगा कल भी कहूंगा धारावी आज लड़ रही है वो अदानी ग्रुप के खिलाफ लड़ रही है धारावी अपने न्याय के लिए लड़ रही है धारावी अपने हक के लिए लड़ रही है और यही हक यही न्याय की लड़ाई जो है वो लड़ रहे है क्योंकि सारे लोग एक साथ एकजुट है उसमें ना हिंदू देख रहे ना मुस्लिम देख रहे हैं ना सिख देख दिख रहे हैं ना उनको आ, ना कोई कोई वहाँ साउथ इंडियन दिख रहा है ना नॉर्थ इंडियन दिख रहा है वहाँ दिख रहे हैं तो धारावीकर दिख रहे हैं और वही धारावीकर अदानी की ताकत के खिलाफ लड़ रहे हैं हमारा झगड़ा अदानी से नहीं है अडानी ग्रुप से नहीं है हमारा झगड़ा जो अदानी साहब के हिस्से में जो टेंडर के बाहर का जा रहा है उसके खिलाफ है वही धारावी की लड़ाई है ये लड़ाई कहीं ना कहीं कम करने के लिए कमजोर करने के लिए जो ये सारे खेल चल रहे हैं वो यही है और जब जब भाजपा हारना भाजपा को हार दिखती है ऐसे लगने लगता है कि अरे ये चुनाव हारने वाले हैं तो पहली कोशिश भाजपा की हिंदू मुस्लिम की होती है दूसरी कोशिश भाजपा की हिंदुओं में जातियों में लड़े कैसे वो होती है और तीसरी कोशिश इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो जाती है और जब चुनाव हो जाते हैं जब चुनाव जीत जाते हैं तो उसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री महोदय को जाके गले मिलते हैं किक काटते हैं यह का हिंदुत्व है ये चुनावी हिंदुत्व है उसी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं तो ये मतलब यही आपकी आपके हिंदुत्व की डेफिनेशन है बिल्कुल हमारे कितने हिंदू बच्चे हैं जिनको आज बेरोज जो बेरोजगार है जो भूखे घूम रहे क्या वो भजिया तले कितने हिंदू हमारे किसान हैं जो आज आत्महत्या कर रहे हैं महाराष्ट्र में वो क्या आत्महत्या करते रहे यही बात है ना कि हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो जो भी हो उसको पहला फर्ज बनता है सरकार का सरकार का धर्म यही है कि जो भी हो जो भी आपके देश का नागरिक हो उसको अन्न दो वस्त्र दो निवारा दो लेकिन ये नहीं करते भाजपा को लगता है कि पहला फर्ज बनता है कि लड़ाओ दोनों को बीच में तोड़ो फोड़ो राजनीति करो जीतो यही भाजपा की जो राजनीति है उसे के हम खिलाफ है इसीलिए तो शिवसेना को आजकल सेक्युलर है कांग्रेस के साथ जाने के बाद एनसीपी के साथ जाने के बाद शिवसेना इस बदली हुई भूमिका में है प्रधानमंत्री महोदय के कौन से लफ्ज थे वो जो रेड फोर्ट से आए थे सेक्युलर सिविल से कोड ही तो थे ना प्रधानमंत्री महोदय भी वही कह रहे थे तो शिवसेना सेक्युलर हो चुकी है मतलब हम इस देश के संविधान के साथ है हम हिंदुत्ववादी बिल्कुल है लेकिन हमारा हिंदुत्व ये असली हिंदुत्व है भाजपा का जो नकली और चुनावी भाजपा का हिंदुत्व है वो हमारा हिंदुत्व नहीं है आपके संविधान के प्रति प्रेम को तो वो कहते हैं कि ये फेक नरेटिव है कि जो संविधान की बात आप अभी कर रहे थे संविधान का मुद्दा निकला था भाजपा कह रही है आ, शिवसेना शिंदे शिंदी कमल जी यही बात करते हैं जो लोकसभा के स्पीचेस हुए जो बयानबाजी हुई जो भाषण हुए उसमें पांच या छह प्रत्याशी जो भाजपा के थे उन्होंने तो कहा था ना चार पार दीजिए हमें संविधान बदलना है महाराष्ट्र में पंकजा ने कहा था क्या वो छोटी तो संविधान के, के, के प्रति उनका जो नफरत है वो जाहिर है लोकतंत्र के प्रति उनका जो नफरत है उनकी जो नफरत है मन में वो जाहिर है उनको खुद का जो बीजेपी का संविधान है वो देश का संविधान बनाना है और हम उन्हें बनाने नहीं देंगे तो आने वाले दिनों में आदित्य जी क्या चुनाव में इस बार फिर से संविधान का मुद्दा लेकर जाएंगे कहा जा रहा है कि वो तो ट्राइड एंड टेस्टेड है इस बार चलेगा नहीं ये नैरेटिव नहीं था अगर नैरेटिव होता ये अच्छे दिन मुद्दा, नहीं, बार नहीं, 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 नहीं। मुद्दा है मैं यही कहना चाहता हूँ तो तो के बारे में बात करते हैं ये ऐसे नहीं है चुनावी मुद्दा नहीं है ये सच बात है अगर आप देखें तो महाराष्ट्र से ही लोकतंत्र खत्म होने की बात हो रही है महाराष्ट्र में ही संविधान को बाजू में रखा गया दो साल पहले जो हुआ जो मिंदे भाग के गए जो डरपोक चालीस चोर भाग के गए वो भाग के गए क्योंकि उनको भाजपा ने आश्रय दिया और आश्रय देते हुए वो कहा कि जो भी हो आपको कुछ नहीं होने देंगे आज भी हमारी केस तो चल रही है सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हम लेकिन यही संविधान को बाजू में करते हुए उन्होंने आज सरकार हमारे सर पर बिठाई हुई है अगर संविधान से चलते तो ये चालीस चोर आज बाद हो जाते अगर संविधान से चलते तो ये चालीस लोगों को चुनाव में जाना पड़ता लेकिन नहीं हुआ वो और यही बात है कि महाराष्ट्र में इन्होंने लोकशाही लोकतंत्र और संविधान खत्म करने की कोशिश की है और वो और करते आ रहे हैं ये कल हम मुंबई यूनिवर्सिटी के सेनेट जो जीते हैं दस के दस जीते हैं hmm. वो भी तो लेने को तैयार नहीं थे hmm. कितने डरोगे आप कितना मन में डर है डर अच्छा है हमारे बारे में आपके मन में डर होना भी चाहिए भाजपा के मन में लेकिन कितना डरते रहोगे hmm. आपके बड़े नेता आते हैं और क्या कहते हैं उद्धव ठाकरे को खत्म करो शरद पवार जी को खत्म करो क्यों ये खत्म करने की बात कब आई हमारे राजनीति में हमारे लोकतंत्र में कब आई ऐसे कभी मैंने माहौल देखा नहीं था और ये महाराष्ट्र का संस्कार भी नहीं है महाराष्ट्र का कल्चर भी नहीं है आप पंद्रह सौ रुपये का जिक्र अभी आपने किया लाडली बहना स्कीम जैसे लाड़की बहन महाराष्ट्र में जिसे कहा जा रहा है उसको माना जा रहा है या फिर सरकार पिच कर रही है कि इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर महाराष्ट्र में महिलाओं को महिलाओं का सक्षमीकरण है उनका कहना है कि इकोनॉमी का सक्षमीकरण हम लोग कर रहे हैं एक उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जो खुद एक नए हमें नया अवतार में दिख रहे हैं वो लोगों तक जा रहे हैं तीनों राज्य के मुखिया सीएम दोनों डी -सी जा रहे हैं आपकी इस पर क्या राय है क्या महिलाओं के उनका ये कहना है कि महिला सक्षमीकरण का आप विरोध कर रहे हैं नहीं पहले पहले स्कीम का नाम तो तय करें कोई मुख्यमंत्री लड़की बहन लगाता है कोई नहीं लगाता है कोई देवा भा कहता है कोई पिंक कर देता है होर्डिंग पहले स्कीम का नाम कलर क्या है ये तो तय करें दूसरी बात है कि ये जादूगर बहुत बढ़िया है जादूगर बिल्कुल कौन जादूगर भाजपा मिल मिंदे अच्छा दो हजार चौदह में पंद्रह लाख के बारे में बात कर रहे थे अभी कितने शून्य निकाल के दे रहे पंद्रह दे रहे तो पंद्रह लाख जिसको मिलने वाले थे उसको पंद्रह 1500 दे रहे हाथों में कल अगर इनकी सरकार वापस बैठेगी बैठने हम देने देंगे नहीं लेकिन अगर हुई तो एक सौ आपके हाथों में मिलेंगे क्योंकि इनको शर्म नहीं है ना कोई इनमें जिद है लड़ने की ना क्षमता है यही बात मैं कहना चाहता हूं कि ये झूठ बोलने में काफी आगे भागते रहते हैं ये इनको शर्म नहीं है और यही बात है कि इनको सिर्फ सत्ता हासिल करनी है अगर हमारी सरकार बैठेगी वापस और बैठेगी ही ये मुझे विश्वास है तो हम लाड़की बहन के साथ साथ सुरक्षित बहन भी वापस लाएंगे हमारा जो का, कानून था शक्ति कानून 2021 में पारित हुए था 21 से लेकर अभी तक राष्ट्रपति महोदया के पास प्रलंबित है क्यों फिर बदलापुर जैसे कभी कुछ होता है कभी उनके ही वामन मात्रे एक पत्रकार को पूछते हैं कि क्या तुम्हारा रेप हुआ है लेकिन उसको अभी तक अरेस्ट नहीं हुए जिसको पूछा गया उसी पत्रकार, पत्रकार को एफ आई आर डाल दिया गया उसको कभी भी उठा सकते जेल में डाल सकते तो ये जो उनका दोगलापन है ना वो लोगों के सामने आ रहा है और इन पे विश्वास नहीं है मध्य प्रदेश में चल गई क्योंकि शिवराज जी का चेहरा एक विश्वासु चेहरा है लेकिन यहां वो चलेगा नहीं क्योंकि बदलापुर का जिक्र निकला है बदलापुर के मुख्य आरोपी कि जिस तरह से मौत हुई उसको लेकर काफ़ी सवाल खड़े हो गए कोर्ट ने भी इसको लेकर सवाल उठाया कोर्ट का कहना है कि किस तरह से मौत हुई है यह होना गलत है कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि सरकार एक तरह से किसी ने काय की है नेचर्स जस्टिस है पोइटिक जस्टिस है और कुछ लोग का ये कहना है कि इसी इस तरह के घिनौने जो क्राइम्स होते हैं उनके साथ इसी तरह से डील करना चाहते हैं आदित्य आप युवाओं से डील करते हो आप युवाओं के संगठन के मुखिया हो युवाओं में भी इसको लेकर काफी एंगर था और कुछ लोगों ने कहा है कि ठीक है हुआ तो हुआ उसमें गलत क्या है उसका विरोध किस बात का नहीं नहीं देखिए युवाओं में बात साफ है जस्टिस तो होना चाहिए न्याय तो होना चाहिए हुँ. जो भी इसमें गलत होगा जिसने भी अत्याचार किया होगा जिसने भी बलात्कार किया होगा और किसी भी केस में हो मैं तो पहले से ही कहता आया हूँ कि रेप को टेरर चार्जेस जैसे ही ट्रीट करो टेररिस्ट जैसे ही ट्रीट करो फिर वो बिल्किस बानो का रेपिस्ट हो जिसको भाजपा उसकी आरती करती है या फिर ये जिसको जिसने गलत तरीके से छुआ कई बार हम ये भी सेल्फ डिफेंस क्लासेस में बताते रहते हैं गुड टच बैड टच और मैं यही कहता हूँ ये गुड टच बैड टच एक चीज़ है लेकिन किसी ने किसी को टच भी नहीं करना चाहिए कर, टच करने का कोई लेना देना भी नहीं होना चाहिए लेकिन अगर ये आरोपी सच में आरोपी था तो क्या छुपाया जा रहा है क्योंकि उसके बाद जो दूसरे दिन न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें आई कि वहाँ से कुछ चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बातें हुई है स्कूल से ऐसे मैंने सुना है आ, वो जो आपटे करके जो बीजेपी का ही कोई ट्रस्टी है वो कहां छुपा हुआ है अगर कुछ उसने गलत किया नहीं होगा तो आइए प्रेस के सामने आइए जाइए पुलिस में जाइए क्या डर है आपके मन में अगर आपने कुछ गलत, गलत कुछ नहीं किया हो क्या ये किसी को बचाने के लिए इसको मारा गया क्या ये सही में आरोपी था हम न्याय किसे कहते हैं कि अगर आरोपी को पकड़ा जाए आप ये मिल... कह रहे हैं कि वो आरोपी नहीं था क्योंकि आपने मैं, मैं इसी पे आ रहा हूं बात कही नहीं कमलेश इसी पे आ रहा मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये क्या उस बीजेपी के ट्रस्टी को बचाने के लिए किसी को बीच में बकरा लाया गया था यह सच में आरोपी था यह कोर्ट ही बता सकता है जो न्याय के देवता है वो ही बता सकते हैं जिस दिन कोर्ट ने फैसला किया और अगर ये गिल्टी होता तो मैं तो कहता हूं इसको पब्लिकली शूट करते या पब्लिकली हैंग करते ना ऐसे क्या पुलिस के डब्बे में छुप छुप के मारना है इसको लेकिन यह तो तय दीजिए कि यह आरोपी है ये कि वो ट्रस्टी आरोपी दोगली राजनीति के, तो नहीं। नहीं, के, नहीं। 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 के बीच में फांसी मांगी थी चौराहे पे मांगी थी लेकिन जो जज साहब होते हैं उनसे तो एक बार तय होने दीजिए कि ये ही गिल्टी है कि नहीं तो यही बात होती है अगर न्याय के बारे में बात करें यह एक ठीक बार बारिक लॉ की तरफ से अगर किसी को चलाना है तो चला सकते हैं ऐसे ही राज चल रहा है लेकिन इसी राज में इसी हमारे महाराष्ट्र में पुलिस एपीआई पे हमला हो रहे हैं कोई कोयता गैंग खुद को कह रहा है कोई कुछ गैंग कह रहा है कोई गुंडा जाता है मंत्रालय में रील बना के आता है तो ये सब चल जा रहा है क्योंकि आज हमारे राज्य में गृह मंत्री है कि नहीं ये सबसे बड़ा सवाल है और अगर होते तो ये बात नहीं होती वो जो क्या नाम है उसका शिंदे वो जो लड़का था जिसने अत्याचार किया अक्षय शिंदे उसको न्याय देवता कहता कि ये गिल्टी है और इसको लोगों के बीच में जाके फांसी देते उसे न्याय कहते चलिए ठीक है और यही के... बात है मैं कहना चाहता हूं कि जिस रेवण्णा ने सब किया है क्या उसको भी ऐसे न्याय मिलेगा तो आप क्या उनके लिए भी ये मांग करेंगे मैं ये पूछ रहा हूं कि ये न्याय भाजपा सबको लागू करेगा कुछ राजनीतिक सवाल आदित्य जी चुनाव है सामने महाविकास चुनाव सच में है क्या ये तो डरते हैं चुनाव से अगर चुनाव अगर पिछले अगले कुछ दिनों में चुनाव होने हैं महाविकास आघाड़ी की तैयारी तो चल रही है उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि महाविकास आगाड़ी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा सामने आए इस बात को लेकर जो बातें सामने आ रही कि अनबन चल रही है इस मुद्दे को लेकर ना उसे आपके सहयोगी दलों ने स्वीकार किया है ना पूरी तरह से रिजेक्ट भी किया है और शायद अगर मैं गलत ना हूं तो हमने देखा है पिछले आठ दस दिनों से उद्धव ठाकरे जरा राजनीति से थोड़े से ज्यादा बहुत भीड़ है क्योंकि ऐसे हुआ है कि सारे जो इच्छुक उम्मीदवार होते हैं होपफुल्स होते हैं टिकट्स के लिए जैसे मैं हूँ तो हम सब लोग उद्धव जी के पीछे पीछे भाग रहे हैं सब लोग उनसे मुलाकात कर रहे हैं काफ़ी सारी रिव्यू मीटिंग्स हो रही है तो ऑफकोर्स पब्लिक मीटिंग्स नहीं हो रही है लेकिन घर पर बहुत सारी भीड़ है क्योंकि यही जो रिव्यू मीटिंग चल रही है हर एक चुनाव क्षेत्र की फिर वो शायद हमारा हो या एम वी ए किसी सहयोगी दल का हो तो हमारा यही लक्ष्य है कि जीते और एम का मुख्यमंत्री बने लेकिन क्या मुख्यमंत्री पद का चेहरा मुद्दा है मुझे लगता है मुख्यमंत्री पद का चेहरा बिल्कुल मुद्दा है कि महाराष्ट्र के हित के बारे में सोचने वाला मुख्यमंत्री हो महाराष्ट्र को आगे लेके जाने वाला मुख्यमंत्री हो जैसे इस भाजपा ने हमें महाराष्ट्र लूटने वाला एक गद्दार मुख्यमंत्री दिया है वैसे कोई ना हो लेकिन कौन सा चेहरा है? आपके मायने में एमवीए में कौन सा चेहरा है जो मुख्यमंत्री पद आप देखोगे जब हम जीतेंगे तब बिल्कुल एम जो महाराष्ट्र को सक्षम करेगा महाराष्ट्र की ताकत बढ़ाएगा और महाराष्ट्र को आगे लेके जाएगा ऐसे मुख्यमंत्री का चेहरा आ गया क्या उद्धव ठाकरे फिर से बनना चाहेंगे फिर आप बनना चाहेंगे बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर ये मुझे लगता है हर कोई जो सोचता है कि मुझे बनना है मुझे बनना है कभी नहीं बनता है और इसलिए मैंने बचपन से यही सोचा कि कभी वो मन में रखिए मत लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हमारा जो एम है जो हमारा एक हम सोच रहे कि यही एजेंडा है कि महाराष्ट्र को आगे कैसे लेके जाए वही सोच रहे ये पद के बारे में नहीं है ना पर्सनल एंबिशन के बारे में जो भाजपा के मन में है सीनियर